फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी हो रही है मॉर्निंग की, मतलब सुबह के छह बज चुके हैं और हम जा रहे हैं आज मथुरा वृंदावन। और हम जो है कल मेरठ से यहाँ आ गए थे फरीदाबाद, तो आज सुबह फरीदाबाद से निकल रहे हैं हम मथुरा वृंदावन के लिए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं और बस मेरा मेरा वेट है, मैं जा रही हूँ। और बस मुझे लगाना है लॉक और बंद करनी है सारे घर की लाइटें और निकलना है। तो चलो चलते हैं और आज हम आपको मथुरा वृंदावन में टूर कराते हैं। चलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम रास्ते में, मतलब मथुरा जो है पहुंच चुके हैं। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए और बस अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे चरम स्थली पे भगवान कृष्ण जी की। और अभी हम है अद्विक सोके उठा, अभी अभी बिल्कुल अद्विक अभी अभी सोके उठा है, बिल्कुल कैचा मुंह बनाया अद्विक ने बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हम जो है मथुरा पहुंच गए हैं और हमने जो है जन्मभूमि के दर्शन भी कर लिए। वहां पर हमने ना कार जो है ना पहले पार्क कर दी थी और आगे जाने का जो है आगे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो इस वजह से सब कार में छोड़ के चले गए थे। तो अब यहाँ हम यहाँ पर जो है हम जन्मभूमि के दर्शन करके आ गए। तो हम अभी जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल और वहाँ पर जो है ई रिक्शा से इस तरह से जाना पड़ता है। अपनी गाड़ी तो कहीं भी आप नहीं लेके जा सकते, सब पार्क में ही खड़ी करनी पड़ती है। तो हम फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, जन्मभूमि पे हम दर्शन कर आए हैं और अभी हम द्वारकाधीश मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और फटाफट से अभी हम क्या कहते हैं मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं, मम्मी पापा आगे हैं और हम पीछे हैं। तो चलो चलते हैं अब द्वारकाधीश मंदिर, वहां पर करते हैं उनके दर्शन। तो ये है मथुरा की छोटी छोटी गलियां जहाँ पर जो है आपको पुराने जमाने की जो है ना बहुत सी चीज़ें आपको बिल्डिंग्स देखने को भी मिलती है इस तरीके से। और हम इन छोटी छोटी गलियों में से जा रहे हैं अपने अभी द्वारकाधीश टेम्पल पे, वहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हर जगह पे आपको पुलिस वाले भी खड़े मिलेंगे और मतलब पूरी पूरा है, साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा है इस तरीके से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और ये सामने है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल और यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि छुट्टियों का टाइम था, 3 दिन की छुट्टी चल रही थी, हमें ध्यान नहीं रहा और इतनी भीड़ थी सब मंदिरों में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो कि कितना रश है दोनों तरफ से, दूसरी तरफ जेंट्स का है, इस तरफ लेडीज़ का है, अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सब चाहते हैं कि हम आगे जाके भगवान जी के दर्शन कर ले। तो लेकिन हम आगे तो नहीं जा पाए थे, लेकिन हमने पीछे से ही भगवान जी के दर्शन कर लिए और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। और आप मंदिर देख सकते हो कि मंदिर जो है वो कितना सुंदर बना हुआ है, कितनी मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो पहले साउथ के मंदिर होते थे ना उसी की थोड़ी उसमें बेस में ये मंदिर है उसी की उसमें। और बहुत ही सुंदर मंदिर है और भगवान जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हमें। उसके बाद हमें जाना था मंदिर के बाहर और लेकिन बाहर निकलने की भी इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मतलब गेट एक छोटा सा ये गेट है और इस गेट से निकलना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, हम जो है द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर आए हैं, बहुत भीड़ भाड़ में घुसा के धक्का मुक्की करके अंदर घुस के हमने दर्शन जो है कर लिए हैं द्वारकाधीश के। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से निकले हुए हैं, 10:30 हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है, तो चलो कुछ खाते हैं। यहाँ पर हम अद्विक के लिए राधा कृष्ण की इस तरीके से टी शर्ट ले रहे थे तो हमने पसंद की उसके लिए। तो हम आ गए हैं हम यमुना तट पर क्योंकि मंदिर के से साइड में ही से ही रास्ता जा रहा है यमुना तट के लिए। और यहाँ से हमने करी थी वोटिंग, वोटिंग करके क्या है ना ये 3-4 चीज़ें आपको दिखाते हैं वोटिंग के थ्रू, इस तरीके से वोट होती है इनकी, बड़ी बड़ी आप मोटर वाली भी लेके जा सकते हो और जो हाथ से चलाने वाली होती है वो भी लेके जा सकते हो। तो हमने मोटर वाली ली थी जिससे थोड़ा जल्दी हम घूम लें क्योंकि और भी जगह जाना था। तो बस और उसके बाद में जो है अद्विक बहुत खुश, यहाँ पर अद्विक बहुत एक्साइटेड था इन सब चीज़ों के लिए। और इन्होंने हमें 2-3 चीज़ें दिखाई यहाँ पर, जैसे कि कंस का किला था और एक यमुना श्रृंगार की जगह होती है जहाँ पर यमुना का श्रृंगार होता है वो दिखाया इन्होंने। और एक और चीज़ दिखाई थी उसका मैं नाम भूल गई हूँ, उसका जो नाम है वो विश्राम घाट है। विश्राम घाट की जो है ये मान्यता है कि कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो वो यहाँ पर आके उन्होंने विश्राम किया था, तो इसका इसलिए विश्राम घाट नाम पड़ गया।
और जो कंस का जो महल है वो बहुत साल पुराना है, ये काफ़ी बार टूट चुका है, काफ़ी बार बन चुका है, और तो ये एक तरह से खंडर टाइप हो गया है। लेकिन इसमें जाने की जो है कोई फीस नहीं है, आप जा सकते हो, सुबह 8 से 5 बजे तक खुला रहता है ये, आप जा सकते हो, जाके देख सकते हो। और उसके बाद में क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है यमुना जी की आरती का भी आप देख सकते हो, विश्राम घाट पे जो है यमुना जी की आरती होती है। और ये साइड में है कंस महल, आप इस कंस महल को देख सकते हो। और जो बोटिंग का है, बोटिंग का आपको जो है पैसा लगता है, आप जैसे चाहो वैसी बोट लेके आप उस हिसाब से पैसे लेते आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये सामने है विश्राम घाट, ये जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने विश्राम किया था, इसी के साइड में है ये जो जहाँ पर यमुना जी का श्रृंगार होता है, ये श्रृंगार घाट है जहाँ पर यमुना जी का श्रृंगार होता है, यहाँ पर आरती भी करते हैं और यहाँ पर आदमी जो है वो रुकते भी हैं, ठहरते भी हैं। तो बस यहाँ पर जो है ये सब हमने दर्शन किए अच्छे से, और इस सीरीज़ को मैं आगे अभी कंटिन्यू रखूँगी। इसमें सिर्फ इतना ही, अब मिलूँगी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब